डेट कौन सी आ रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी से शादी करने वाली, आज वो कथा कर रहे हैं यहाँ से कुछ दूरी पर है। लोगों को ये तो पता चले कि धीरेन्द्र शास्त्री की जिससे शादी होने वाली है वो करती क्या क्या है। मैं भागवत कथा करती हूँ, भागवत भागवत। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री और आप साथ में भागवत कथा करेंगे क्या फिर? धीरेन्द्र शास्त्री के जो माता पिता है वो चाहते हैं, क्योंकि शिवरंजनी जो है तो भजन गायिका भी हैं और कथावाचिका भी हैं और भगवान के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा है। लेकिन हमारी शिष्य हमारे साथ शिवरंजनी तिवारी हैं। शिवरंजनी तिवारी तब चर्चा में आई थी जब वो 1400 किलोमीटर की यात्रा करके पैदल गई थी धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करने के लिए। अब ये खबर आ रही है कि शिवरंजनी शादी तिवारी जी की शादी धीरेन्द्र शास्त्री जी से तय हो चुकी है, बातचीत चल रही है। ये तमाम खबरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। शिवरंजनी तिवारी एक MBBS डॉक्टर है, दूसरे वर्ष की स्टूडेंट है और ये पढ़ाई कर रही हैं और ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर जो हैं वो इन्हीं से जानते हैं। पहले तो आपका स्वागत है शिवरंजनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कब विवाह हो रहा है? बहुत जल्दी बताया जाएगा। बहुत जल्दी बताया जाएगा। ये जो पैदल यात्रा आपने की थी ये क्यों की थी? ये तो अगर विवाहित करना था तो वो तो हो ही जाता। देखिए, ऐसा है जो मैंने पहले से कहा था कि मेरे पर्चे में बन के रखा है कि मैं ये पैदल यात्रा क्यों कर रही हूँ। तो बस बात इतनी सी है कि वो पर्चा वहाँ पे बन के रखा हुआ है बागेश्वर धाम में, बस वो मुझ तक पहुँच नहीं पा रहा है, बस यही दिक्कत हो रही है। और जैसे ही वो पर्चा मेरे हाथ में आएगा आपको सबको बता दिया जाएगा, तमाम मीडिया चैनल्स को, कि देखो भाई पर्चे में ये लिखा हुआ था। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी भगवान है, प्राणनाथ है। प्राणनाथ क्यों बोलती हूँ, कई लोगों को इससे आपत्ति होती है। तो देखो भाई, प्राणनाथ मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आज के समय में यदि हिंदुत्व के प्रति किसी ने अगर जगाया इस यंग जनरेशन को तो वो सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं और इसलिए वो भगवान है और मेरे प्राणनाथ हैं। और इसी क्रम में कई लोगों ने, अभी आप यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे ना तो मेरे पास अभी 10-12 दिन पुरानी बात है, एक न्यूज आती है शिवरंजनी का टिपना हो गया, शिवरंजनी का कुंडली मिलान हो गया और कई लोगों ने तो फोटोशॉप करके फेरे भी दिए हैं। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं, तो मैंने मीडिया से, मैं तुरंत लाइव आई थी टाइम्स नाउ और कई सारे चैनल्स में आई थी, बहुत सारे चैनल्स में, कि भाई थोड़ा वेट कर लीजिए, इतनी अभी हड़बड़ी ना मचाइए। और हर किसी से मैं भी यही कह रही हूं, मतलब डेट हम सुन सकते हैं, बताया डेट कब, डेट कौन सी आ रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी से शादी करने वाली, आज वो कथा कर रहे हैं यहाँ से कुछ दूरी पर है, यहाँ से भी कई लोग वहाँ पर गए हुए हैं, अब कल वो यहाँ पे आने वाले हैं। अच्छा, तो मुलाकात होगी शादी से? मुलाकात हो जाए। आपकी हर मीडिया चैनल की इतनी ज्यादा पैनी नजर होती है कि उनको सब पहले से पता चल जाता है कि क्या क्या होने वाला है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो आप तो रहेंगे ना कवरेज के लिए, तो बस फिर होगा तभी देखा जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि सब लोगों ने आपसे पूछा शादी हो रही है, हम ये पूछ रहे हैं वो डेट कब हो रही है, बताया जाएगा। पिताजी से बात होगी? अच्छा, वो नहीं करेंगे बात। आप लोगों को पता है आपके भाई हैं ये? नहीं, ये बात नहीं करते मीडिया में। अच्छा, नहीं बात करते, आप ही बात करेंगे? मैं करती हूं। तो ये वो डेट कौन सी होगी? अरे बताया जाएगा, किससे शादी हो रही, कब हुआ, सब बताया जाएगा, आप थोड़ा वेट तो करिए। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपने बता दिया कि वो प्राणनाथ हैं, लेकिन ये जो शादी, अच्छा पहले आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमें कुछ बताएं। मैं MBBS स्टूडेंट हूँ और बचपन से मैं म्यूजिक में बहुत ज्यादा डिवोटेड रही हूँ। खैरागढ़ आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, एशिया की नंबर 1 म्यूजिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा किया है। और ये MBBS की तरफ मेरा रुझान तब हुआ जब कोविड काल आया और डॉक्टर्स की बहुत कमी हो रही थी, तो उसी टाइम पे मैंने सोचा कि भाई मैंने बायो तो ले ही चुकी हूँ, तो बढ़िया से नीट की तैयारी करी। और सभी के प्रति मेरा एक्चुअली सेवा भाव होता है हमेशा, जैसे मैं हरिद्वार में भी हूँ तो हम लोग वहाँ भी निःशुल्क अपनी दवाई का वितरण करते हैं, आपने सुना होगा। अभी मैंने सुना था, वो मैंने पर्चा भी, वो कौन सी दवा आप बनाती हैं जिससे घुटने का दर्द 20 मिनट में, 8 दिन में सही हो जाता है? मार्कंडेय दर्दनाशक तेल बहुत ज्यादा विवादित रहा है। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हम? नहीं, बिल्कुल जनरल बात हो रही है, बिल्कुल। देखो कोई एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं, कि हम लोग निशुल्क सेवा करते हैं। इवन जो ऋषिकेश में एम्स है ना, उसके बाहर में बैराज कैंप है, तो वहाँ पे हम लोग निशुल्क वितरण करते हैं वहाँ पे, तो कई लोग दिखाते भी इसको निशुल्क वितरण करते हुए। अब कई लोगों को दिक्कत होती है ना कि भाई सेवा कर रहे तो क्यों कर रहे, किसी गरीब को खाना खिला दो तो लोग कहना है खिला रहे तो क्यों खिला रहे, तो इस प्रकार से विवादित होते रहा है, और जबकि हमारी सेवा भाव है ये। इवन हम अयोध्या में भी हम लोग कई लोगों को वितरण कर चुके हैं। ये हमें ये पता चला है कि इस तेल से जल्दी ठीक हो जाता है व्यक्ति, लाखों लोगों का कहना है। 2012 से हमें सेवा करी, क्योंकि मेरे दादाजी के पैर कटवाने की नौबत आ गई थी, तो उस समय पर ही हमने रिसर्च करा था और तब से हम ये निरंतर सेवा करते आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? शादी वाला जो है हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान
रामचंद्र भगवान जी जब जनकपुर में गए थे तो माता सीता जी को जब देखे तो उनको ये नहीं पता थी कि मैं जनकपुर में आया हूँ तो यहाँ मेरी शादी हो जाएगी। जैसे हमारे बागेश्वर धाम सरकार अयोध्या नगरी पावन धरती पर पधार रहे हैं, गुरु जी का आदेश हुआ हमारे परम पूज्य देव जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, सबका आदेश होगा तो गुरु जी भी कहते उठो राम भंजो भव चापा और मिट्यो हो जाए जनकपुर तापा। अगर संत महाराज की सबकी कृपा होगी तो हमारे बागेश्वर सरकार जी की हमारे बहन सुरंजनी तिवारी जी को माला अर्पण कर देंगे। बोले जय सियाराम। इन्होंने तो मुहर लगा दी आप पे। तो इस तेल के बारे में हम बात कर रहे थे, और क्या करती हैं आप? लोगों को ये तो पता चले कि धीरेन्द्र शास्त्री की जिससे शादी होने वाली है वो करती क्या क्या है। MBBS डॉक्टर आप हो जाएंगी, MBBS सेकेंड ईयर में है आप, NGO के माध्यम से नहीं, एक NGO नहीं हमारा, आप समाज सेवा भी करती हैं। हाँ। और क्या करती हैं? मैं भागवत कथा करती हूँ। भागवत अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री और आप साथ में भागवत कथा करेंगे क्या फिर? देखिए इन प्रश्नों का ये हो सकता है कि भविष्य में आपको ऐसा मंच देखने को मिले कि जहाँ पर दो लोग एक साथ कथा करें, ऐसा हो सकता है? बताया जाएगा, भविष्य का तो भविष्य में देखा जाएगा ना, फिलहाल तो वर्तमान की बात करें। तो हमारे साथ थी शिवरंजनी तिवारी, और बता दीजिए क्या करती है? भागवत कथा करती हूँ, समाज सेवा करती हूँ, सभी दीन दुखी जो भी हमारे यहाँ आते हैं उनको हम निःशुल्क मार्कंडी दर्दनाशक तेल का वितरण करते हैं। हमारा कोई NGO नहीं है, ना हमारा कोई ट्रस्ट है। हम जितना, जैसे मैं भागवत कथा करती हूँ, जो भी मुझे पैसा मिलता है उसमें से एक चौथाई भाग, जितना भी मुझे मिलता है उसका एक चौथाई भाग मैं संकल्प लिया है, मैंने बचपन से ही लिया है, उसका एक चौथाई मैं दान ही करती हूँ। तो शिवरंजनी तिवारी जी हमारे साथ है, पीछे परमहंस जी बैठे हुए हैं, कल वो कह रहे थे कि इनकी शादी धीरेन्द्र शास्त्री से होगी। शिवरंजनी तिवारी का विवाह धीरेन्द्र शास्त्री से होगा ऐसी चर्चा है, इस पर आप कैसे मुहर लगा रहे हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के जो माता पिता हैं वो चाहते हैं, क्योंकि शिवरंजनी जो है तो भजन गायिका भी हैं और कथावाचिका भी हैं और भगवान के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा है, लेकिन हमारी शिष्या हैं, इन्होंने कहा गुरुदेव मैं अभी तीर्थ करना चाहती हूँ और कुछ मेरा वो है कि मैं कुछ एकाक साल और भगवान का भजन करूँ। तो हमने कहा ठीक है, तो अभी यहाँ तक चर्चा हुई है, अब पता नहीं उनका मन कहीं बदल तो नहीं गया, उसाई सोचते हो कि और कोई पैसे वाला हो और कोई जो 10-20 करोड़ रुपए या 100-200 करोड़ और जो है खर्चा कर सके, लेकिन पहले जो है उनके परिवार के लोगों ने शिवरंजनी को जो है पसंद किया था, तो बहुत अच्छा है, वो भी जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बिटिया भी धर्म का प्रचार कर रही है, तो हमारा आशीर्वाद है और बाकी तो सब ठीक ही है, वो तो भगवान ने जिसको जो लिखा होगा देखिए वो होगा, लेकिन शिवरंजनी भगवान की भक्त है, हमारी शिष्या है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, धर्म का प्रचार करती है, भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा है इनकी।